वहीं कानपुर से बड़ी खबर, जहां इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। इरफान और भाई रिजवान पर दर्ज हुए दो नए मुकदमे, रंगदारी धमकी और प्लॉट कब्जाने के आरोप में केस दर्ज। तो जाजमऊ थाने में दर्ज हुए मुकदमे, कानपुर से एसपी विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई पर पुलिस चारों तरफ से शिकंजा कस रही है। एसपी विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान पर कई आपराधिक मुकदमे हैं। वहीं इरफान सोलंकी और उनके भाई पर जाजमऊ थाने में दो और FIR दर्ज करवाई गई है। रंगदारी धमकी और प्लॉट कब्जाने के आरोप में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। तो रंगदारी और प्लॉट कब्जाने के आरोप में केस दर्ज किए गए। एसपी विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। इरफान सोलंकी पर दो और FIR दर्ज करवाई गई हैं। जाजमऊ थाने में दो FIR दर्ज करवाई गई है। मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है इरफान सोलंकी की। मुरादाबाद से पूर्व विधायक हाजी इकराम कुरैशी की जमानत अर्जी पर आज MPMLA कोर्ट में सुनवाई होगी। हाजी इकराम कुरैशी के वकील ने जिला जज की अदालत में अपील दाखिल की थी। बता दें कि 30 नवंबर को MPMLA स्पेशल कोर्ट ने हाजी इकराम कुरैशी को दोषी ठहराया था। हाजी इकराम कुरैशी पर बिजली बिल 6,88,000 रूपये का फर्जी रसीद बनाकर विभाग के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप है। तो 30 नवंबर को कोर्ट ने दोषी ठहराया था। हाजी इकराम कुरैशी की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई है। बिजली विभाग के धोखाधड़ी करने का आरोप है और 6,88,000 रुपए की फर्जी रसीद हाजी इकराम कुरैशी ने बनाकर बिजली विभाग के साथ धोखा किया था। MPMLA कोर्ट में आज सुनवाई होगी। तो हाजी इकराम कुरैशी की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होनी। बड़ी खबर बता रहे, प्रयागराज में एसपी छात्र नेता की दबंगई का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस की हिरासत में लग्जरी गाड़ी में बैठने का बनाता दिखा दबाव। KBPG कॉलेज में छात्रों के गुटों में हुआ था बवाल। छात्रों के बवाल में पहुंचा था एसपी छात्र नेता आयुष प्रियदर्शी। तो बड़ी खबर आपको, बड़ी खबर सामने आ रही है प्रयागराज से, जहां समाजवादी पार्टी का एक छात्र नेता की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस की हिरासत में